जय श्री कृष्णा। तो बच्चों, आज हम लोग एक नया ही चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर दो ब्रांचेस होती हैं, दो पार्ट में हम लोग इसको स्टडी करते हैं। एक तो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, कि करंट लो कहीं कर रहा है तो उसका क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। और दूसरा ये होता है कि अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। मतलब दो इसके हिस्से होते हैं, एक कि अगर कोई करंट चल रहा है, कोई मतलब किसी वायर में कोई चार्ज ऐसे चल रहा है तो फील्ड कितनी पैदा करेगा, और दूसरा उस चलता चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल फील्ड में कितना फोर्स लगेगा। दो तरह से हम लोग इसको स्टडी करते हैं। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट या जो ये जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, इसके अंदर कई सारी ब्रांचेस मतलब कई सारी बातें इसमें आती हैं, हम लोग उसको एक एक करके देखेंगे। लेकिन अगर इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एक चीज याद दिलाऊंगा, मैग्नेटिज्म के जितने भी फार्मूले हैं, मैग्नेटिज्म के फिर से सुनिएगा, जितने भी मैग्नेटिज्म में फार्मूले आपको मिलेंगे, सारे फार्मूलों में कहीं ना कहीं वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आता है। तो अब वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हर फार्मूले में आता है तो आपको वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे अगर थोड़ा बहुत आपने कभी पढ़ा हो तो आप इसको याद भी कर देख भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बायोट सेवर्ट लॉ है, अभी सब सारे लॉज में पढ़ाऊंगा, एक बार मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं कि इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट का महत्व तो कितना है। जैसे बायोट सेवर्ट लॉ क्या था, बायोट सेवर्ट लॉ था म्यू नॉट अपॉन 4πIdl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ये बायोट सेवर्ट लॉ था, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क लगता है m क्रॉस b। अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स आता था वो आता था एफ क्यू वी क्रॉस b, यहां भी क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। उसके अलावा कोई करंट कैरिंग वायर है उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स आता है वो आता है आई एल क्रॉस बी। तो ये समझो कि ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट का चैप्टर है, और इस प्रोडक्ट में लगभग हर दूसरे तीसरे सवाल के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना यहां बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप रियलाइज करेंगे, मैं बार बार बोलता हूं बच्चों से इस बात को, शुरुआत में मैं बोल रहा हूं और आखिरी तक आपको ये बात समझ में आ जाएगी, आखिर लास्ट में पहुंचने में बच्चे बोलते भी हैं इस बात को, कि अगर हम डायरेक्शन निकालना अच्छे से सीख लें, डायरेक्शन निकालने पर फोकस करें, तो ये चैप्टर जो है वो मुश्किल, वैसे तो मतलब माना जाता है ये कि एक ऐसा ट्रिकी टाइप का चैप्टर है, रोटेशन टाइप का माना जाता है, लेकिन इसके अंदर अगर आप डायरेक्शन निकालने पे पूरा ध्यान रखें और जो क्रॉस प्रोडक्ट का, क्योंकि हर फार्मूले में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना अगर आपको अच्छे से आता है तो ये चैप्टर आपको यकीन मानिए मजा देगा, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर के अंदर, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना आता है, ठीक है। वैल्यू तो सबको पता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन निकालने में लोग कंफ्यूज होते हैं तो इस वजह से इसके अंदर गलती होती है। तो मैं थोड़ा सा आपको क्रॉस प्रोडक्ट सिखाऊंगा, ठीक है। भले हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ने जा रहे हैं लेकिन इसमें बार बार आपको क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा सिखाऊंगा। जिन बच्चों को क्रॉस प्रोडक्ट भूल गया है या नहीं आता है वो एक बार इसको जान ले। तो हम लोग इस चैप्टर, भले नाम मैंने लिया इसका है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, लेकिन मैं आपको सिखाने जा रहा हूं फिलहाल कुछ देर तक, मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट सिखाऊंगा। क्रॉस प्रोडक्ट, इसी को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी, हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। यहां एन कैप क्या है ये मैं सिखाने जा रहा हूं। मॉड ए को, जैसे वैसे तो सही एकदम सही नाम है मॉड, लेकिन मॉड ए को बार बार मॉड ए लिखने के बजाय हम लोग क्या लिख देते हैं, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ए क्रॉस बी को जब हम लिखेंगे तो ए क्रॉस बी जो आएगा वो आता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां एन कैप एक यूनिट वेक्टर है और n कैप का डायरेक्शन वही होगा जो a क्रॉस b का डायरेक्शन होगा। तो n कैप एक यूनिट वेक्टर है और n कैप का डायरेक्शन वही होता है जो a क्रॉस b का डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जरा देखा जाए, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, n कैप का डायरेक्शन वही होगा जो a क्रॉस b का डायरेक्शन होगा, ठीक है।
अब इसमें क्या है कि ये जो एन कैप का डायरेक्शन है ये किस तरह से हम लोग निकालेंगे ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो एन कैप का डायरेक्शन निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल कर रहा हूं। दो तरीके होते हैं, राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड पाम रूल। मैं राइट हैंड पाम रूल यूज करूंगा। आप थंब रूल जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप थंब रूल यूज करें, आप जो भी जानते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं एक ही मेथड यूज करूंगा, राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल ये कहता है, राइट हैंड पाम रूल जो है वो ये कहता है कि अगर मैं जैसे पहला वेक्टर यानी जो वेक्टर ए है उसके डायरेक्शन में अंगूठा कर दूं, वेक्टर बी के डायरेक्शन में उंगलियां कर दूं, तो पाम का डायरेक्शन जो है, जो पाम है ना दिख रहा है आपको, एक राइट हैंड का यूज करना है मुझे, अगर मैं ए के डायरेक्शन में अंगूठा करूं बी के डायरेक्शन में उंगलियां करूं तो पाम का डायरेक्शन जो है वो एन कैप का डायरेक्शन होगा, या ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन वही है ना जो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। तो इसमें नियम यही होता है कि अगर मैं वेक्टर ए के डायरेक्शन में अंगूठा कर दूं, वेक्टर बी के डायरेक्शन में उंगलियां कर दूं, तो पाम का जो डायरेक्शन है, तमाचे की जो दिशा है, पाम मतलब ये वाली जो दिशा है, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूं इस बात को, इफ वी एक्सटेंड द थंब ऑफ थंब अलोंग, इफ वी एक्सटेंड थंब अलोंग वेक्टर ए एंड फिंगर्स, if you extend the thumb along vector A and fingers along vector B, if you extend the thumb along vector A and fingers along vector B, then the direction of the palm, मैं यहां हिंदी में लिख दे रहा हूं, याद रहेगा आपको, तमाचा इसलिए लिख रहा हूं कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो पाम या इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इफ यू एक्सटेंड द थंब अलोंग वेक्टर ए एंड फिंगर्स अलोंग वेक्टर बी, देन द डायरेक्शन ऑफ द पाम इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। इसमें यह ध्यान रखना है आपको कि ये जितने भी मैं आपको मैग्नेटिज्म में आगे भी बहुत सारे डायरेक्शन निकालने के रूल सिखाऊंगा, तो उन सब में आपको राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे बच्चे लेफ्टी होते हैं तो वो यही काम लेफ्ट हैंड से करने लगेंगे। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड से करूं, देखो ए इधर गया बी इधर गया, तो अंदर जा रहा है, डायरेक्शन बदल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि मैं जितने भी आपको रूल्स बताऊंगा वो सबके सब राइट हैंड के लिए मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं राइट हैंड कभी लिखूंगा कभी नहीं लिखूंगा। एक बार मैं शुरू में बोल देता हूं कि भाई जितने भी आपके मैग्नेटिज्म में फार्मूले या रूल्स या डेफिनेशन बन रही है, दे ऑल आर फॉर राइट हैंड के लिए ही रूल्स हैं। तो अगर मैं ए के डायरेक्शन में अपना अंगूठा एक्सटेंड करूं, बी के डायरेक्शन में उंगलियां एक्सटेंड करूं, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होता है वो ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा। इस तरह का जो डायरेक्शन आएगा ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आ जाएगा। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक बात आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि जो एन कैप का डायरेक्शन है, यानी एन कैप और ए क्रॉस बी दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, तो जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है। कुछ ऐसे समझ सकते हैं आप, इस तरह से समझ सकते हैं, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी हो गया, तो ये इधर जो आएगा वो ए क्रॉस बी आएगा। तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इस बात को यहां नोट डाल के मैं लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज direction of A cross B is perpendicular to both vector A and vector B,
डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर आ जाता है। जय श्री कृष्णा। तो बच्चों आज हम लोग एक नया ही चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर दो ब्रांचेस होती हैं, दो पार्ट में हम लोग इसको स्टडी करते हैं। एक तो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, कि करंट लो कहीं कर रहा है तो उसका क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। और दूसरा ये होता है कि अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। मतलब दो इसके हिस्से होते हैं, एक कि अगर कोई करंट चल रहा है, कोई मतलब किसी वायर में कोई चार्ज ऐसे चल रहा है तो फील्ड कितनी पैदा करेगा, और दूसरा उस चलता चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल फील्ड में कितना फोर्स लगेगा। दो तरह से हम लोग इसको स्टडी करते हैं। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट या जो ये जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, इसके अंदर कई सारी ब्रांचेस मतलब कई सारी बातें इसमें आती हैं, हम लोग उसको एक एक करके देखेंगे। लेकिन अगर इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एक चीज याद दिलाऊंगा, मैग्नेटिज्म के जितने भी फार्मूले हैं, मैग्नेटिज्म के फिर से सुनिएगा, जितने भी मैग्नेटिज्म में फार्मूले आपको मिलेंगे, सारे फार्मूलों में कहीं ना कहीं वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आता है। तो अब वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हर फार्मूले में आता है तो आपको वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे अगर थोड़ा बहुत आपने कभी पढ़ा हो तो आप इसको याद भी कर देख भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बायोट सेबर्ट लॉ है, अभी सब सारे लॉज में पढ़ाऊंगा, एक बार मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं कि इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट का महत्व तो कितना है। जैसे बायोट सेबर्ट लॉ क्या था, बायोट सेबर्ट लॉ था म्यू नॉट अपॉन 4πIdl क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, ये बायोट सेबर्ट लॉ था, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क लगता है एम क्रॉस बी। अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स आता था वो आता था एफ क्यू वी क्रॉस बी, यहां भी क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। उसके अलावा कोई करंट कैरिंग वायर है उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स आता है वो आता है आई एल क्रॉस बी। तो ये समझो कि ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट का चैप्टर है, और इस प्रोडक्ट में लगभग हर दूसरे तीसरे सवाल के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना यहां बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप रियलाइज करेंगे, मैं बार बार बोलता हूं बच्चों से इस बात को, शुरुआत में मैं बोल रहा हूं और आखिरी तक आपको ये बात समझ में आ जाएगी, आखिर लास्ट में पहुंचने में बच्चे बोलते भी हैं इस बात को, कि अगर हम डायरेक्शन निकालना अच्छे से सीख लें, डायरेक्शन निकालने पर फोकस करें, तो ये चैप्टर जो है वो मुश्किल, वैसे तो मतलब माना जाता है ये कि एक ऐसा टिकी टाइप का चैप्टर है, रोटेशन टाइप का माना जाता है, लेकिन इसके अंदर अगर आप डायरेक्शन निकालने पे पूरा ध्यान रखें और जो क्रॉस प्रोडक्ट का, क्योंकि हर फार्मूले में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना अगर आपको अच्छे से आता है तो ये चैप्टर आपको यकीन मानिए मजा देगा, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर के अंदर, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना आता है, ठीक है। वैल्यू तो सबको पता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन निकालने में लोग कंफ्यूज होते हैं तो इस वजह से इसके अंदर गलती होती है। तो मैं थोड़ा सा आपको क्रॉस प्रोडक्ट सिखाऊंगा, ठीक है। भले हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ने जा रहे हैं लेकिन इसमें बार बार आपको क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा सिखाऊंगा। जिन बच्चों को क्रॉस प्रोडक्ट भूल गया है या नहीं आता है वो एक बार इसको जान ले। तो हम लोग इस चैप्टर, भले नाम मैंने लिया इसका है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, लेकिन मैं आपको सिखाने जा रहा हूं फिलहाल कुछ देर तक, मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट सिखाऊंगा। क्रॉस प्रोडक्ट, इसी को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी, हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। यहां एन कैप क्या है ये मैं सिखाने जा रहा हूं। मॉड ए को, जैसे वैसे तो सही एकदम सही नाम है मॉड, लेकिन मॉड ए को बार बार मॉड ए लिखने के बजाय हम लोग क्या लिख देते हैं, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ए क्रॉस बी को जब हम लिखेंगे तो ए क्रॉस बी जो आएगा वो आता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां एन कैप एक यूनिट वेक्टर है और n कैप का डायरेक्शन वही होगा जो a क्रॉस b का डायरेक्शन होगा। तो n कैप एक यूनिट वेक्टर है और n कैप का डायरेक्शन वही होता है जो a क्रॉस b का डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जरा देखा जाए,
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इन टू एन कैप, एन कैप का डायरेक्शन वही होगा जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो एन कैप का डायरेक्शन है ये किस तरह से हम लोग निकालेंगे ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो एन कैप का डायरेक्शन निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल कर रहा हूं। दो तरीके होते हैं, राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड पाम रूल। मैं राइट हैंड पाम रूल यूज करूंगा। आप थंब रूल जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप थंब रूल यूज करें, आप जो भी जानते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं एक ही मेथड यूज करूंगा, राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल ये कहता है, राइट हैंड पाम रूल जो है वो ये कहता है कि अगर मैं जैसे पहला वेक्टर यानी जो वेक्टर ए है उसके डायरेक्शन में अंगूठा कर दूं, वेक्टर बी के डायरेक्शन में उंगलियां कर दूं, तो पाम का डायरेक्शन जो है, जो पाम है ना दिख रहा है आपको, एक राइट हैंड का यूज करना है मुझे, अगर मैं ए के डायरेक्शन में अंगूठा करूं बी के डायरेक्शन में उंगलियां करूं तो पाम का डायरेक्शन जो है वो एन कैप का डायरेक्शन होगा, या ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन वही है ना जो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। तो इसमें नियम यही होता है कि अगर मैं वेक्टर ए के डायरेक्शन में अंगूठा कर दूं, वेक्टर बी के डायरेक्शन में उंगलियां कर दूं, तो पाम का जो डायरेक्शन है, तमाचे की जो दिशा है, पाम मतलब ये वाली जो दिशा है, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूं इस बात को, इफ वी एक्सटेंड द थंब ऑफ थंब अलोंग, इफ वी एक्सटेंड थंब अलोंग वेक्टर ए एंड फिंगर्स, if we extend the thumb along vector a and fingers along vector b, if we extend the thumb along vector a and fingers along vector b, then the direction of the palm, मैं यहां हिंदी में लिख दे रहा हूं, याद रहेगा आपको, तमाचा इसलिए लिख रहा हूं कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो पाम या इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इफ यू एक्सटेंड द थंब अलोंग वेक्टर ए एंड फिंगर्स अलोंग वेक्टर बी, देन द डायरेक्शन ऑफ द पाम इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। इसमें यह ध्यान रखना है आपको कि ये जितने भी मैं आपको मैग्नेटिज्म में आगे भी बहुत सारे डायरेक्शन निकालने के रूल सिखाऊंगा, तो उन सब में आपको राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे बच्चे लेफ्टी होते हैं तो वो यही काम लेफ्ट हैंड से करने लगेंगे। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड से करूं, देखो ए इधर गया, बी इधर गया, अंदर जा रहा है, डायरेक्शन बदल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि मैं जितने भी आपको रूल्स बताऊंगा वो सबके सब राइट हैंड के लिए मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं राइट हैंड कभी लिखूंगा कभी नहीं लिखूंगा। एक बार मैं शुरू में बोल देता हूं कि भाई जितने भी आपके मैग्नेटिज्म में फार्मूले या रूल्स या डेफिनेशन बन रही है, दे ऑल आर फॉर राइट हैंड के लिए ही रूल्स हैं। तो अगर मैं ए के डायरेक्शन में अपना अंगूठा एक्सटेंड करूं, बी के डायरेक्शन में उंगलियां एक्सटेंड करूं, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होता है वो ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा। इस तरह का जो डायरेक्शन आएगा ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आ जाएगा। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक बात आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि जो एन कैप का डायरेक्शन है, यानी एन कैप और ए क्रॉस बी दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, तो जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है। कुछ ऐसे समझ सकते हैं आप, इस तरह से समझ सकते हैं, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी हो गया, तो ये इधर जो आएगा वो ए क्रॉस बी आएगा। तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इस बात को यहां नोट डाल के मैं लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज direction of a cross b is perpendicular, direction of a cross b is perpendicular to
बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी. ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर आ जाता है. तो जैसे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना, हम लोग जैसे मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं लेकिन इसके अंदर हम ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना जो है उस पर अपना सारा ध्यान रखेंगे. तो अब जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, ये क्वेश्चन नहीं है, बस ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं इस बात की फीलिंग आपको हो जाए, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं. तो जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन में लिख रहा हूं, वेक्टर ए इज ईस्टवर्ड्स, वेक्टर बी इज नॉर्थवर्ड्स. वेक्टर ए इज ईस्टवर्ड्स, वेक्टर बी इज नॉर्थवर्ड्स. फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. वेक्टर ए जो है ईस्टवर्ड्स है, वेक्टर बी नॉर्थवर्ड्स है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताना है. एक मिनट का पॉज लीजिए, करिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए. तो जैसे मान लिया जाए कि ये वेक्टर ए है, मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना ले रहा हूं, ये नॉर्थ बना लिया मैंने, ये साउथ बना लिया, ये ईस्ट, ये वेस्ट. तो अब इसके अंदर जो अपवर्ड डायरेक्शन होगा वो जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब इसको समझिए, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं वास्तव में ऐसे नहीं होते, बोर्ड नॉर्थ ऊपर की तरफ नहीं होता, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ होता है. तो वास्तव में ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल है. आप अपनी कॉपी में जब बनाएंगे तो कॉपी में एकदम सही बनाएंगे, कॉपी में जो हॉरिजॉन्टल होगा ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जैसे मान लीजिए ये कॉपी इस पे बनाएंगे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हॉरिजॉन्टल होगा. यहां पर बोर्ड पे जो कि हम लोगों को दिखाना होता है तो ऐसा नहीं कि नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है और गड्ढा खोद दो तो नीचे जमीन के अंदर साउथ मिलेगा, ऐसा नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं, ये दिखाने का तरीका है. तो अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे मैंने दिखा दिया तो जो अपवर्ड डायरेक्शन होगा, अपवर्ड डायरेक्शन जो होगा उसको मैं ऐसे डॉट से दिखाऊंगा. वैसे भी मैंने पहले भी बता रखा है डॉट का मतलब होता है बाहर की तरफ, कहीं भी अगर डॉट लगा दिया जाए तो इसका मतलब आउटवर्ड, कोई भी वेक्टर है जहां डॉट लगेगा तो वो आउटवर्ड माना जाता है, और क्रॉस का मतलब माना जाता है इनवर्ड. तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन जो आएगा, अप यू लिख दिया मैंने, अपवर्ड डायरेक्शन जो होगा वो डॉट होगा यानी बाहर की तरफ होगा, और डाउनवर्ड जो नीचे का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा. अब इस सवाल के अंदर देखिए मैं बता दूं आपको, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्शन पे फोकस कर गए और डायरेक्शन अच्छे से निकालना सीख गए ना तो मजा आएगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है. और मैग्नेटिज्म जो है उसके अंदर भी आपको अच्छा महसूस होगा और आपको लगेगा, लास्ट में आप याद कीजिएगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं यार ये आदमी सही बोल रहा था. और डायरेक्शन अगर मैंने सीखा तो सवाल में इसमें फार्मूले याद रहते बच्चों को, चार पांच फार्मूले होते हैं सब बच्चे याद कर लेते हैं, डायरेक्शन में कंफ्यूज रहते, कोई ऐसे करेगा कोई ऐसे करेगा कोई ऐसे करेगा, डायरेक्शन में परेशान रहते हैं लोग. तो डायरेक्शन पे फोकस करना है हम लोगों को, ठीक है. तो खैर अभी इस सवाल पे आते हैं, वेक्टर ए जो है वो ईस्टवर्ड्स है. तो चलिए वेक्टर ए इस तरह से बना लिया मैंने, ये वेक्टर ए हो गया ईस्टवर्ड्स, वेक्टर बी जो है वो नॉर्थवर्ड्स हो गया, वेक्टर बी मैंने ऐसे बना लिया. तो अब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है तो उसका तरीका ये है, रूल क्या मैंने आपको बताया था कि अपना जो थंब है वो ए के डायरेक्शन में एक्सटेंड करो, अंगूठा ए के डायरेक्शन में, उंगलियां बी के डायरेक्शन में, तो पाम का जो डायरेक्शन है वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा. तो फिलहाल यहां पाम का डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैं यहां इसे डॉट बना दे रहा हूं, यानी कि इस पर्टिकुलर सवाल में ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, अपवर्ड्स. तो इसका आंसर जो आएगा वो यही आ जाएगा, अपवर्ड्स. ए इधर हो गया, बी इधर हो गया, तो ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है. चलिए और मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं सवालों की, सवालों की और प्रैक्टिस कराता हूं. लिखे सवाल, एक और क्वेश्चन, वेक्टर ए इज नॉर्थवर्ड्स, वेक्टर ए इज नॉर्थवर्ड्स, वेक्टर बी इज डाउनवर्ड्स, वेक्टर ए इज नॉर्थवर्ड्स, वेक्टर बी इज डाउनवर्ड्स. Identify the direction of, identify the direction of
ए क्रॉस बी, वेक्टर ए नॉर्थ की तरफ है, वेक्टर बी नीचे की तरफ है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताएं। एक मिनट का पॉज लें, फिर उसके बाद आप मेरे साथ सॉल्यूशन देखें। मैं तो कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आप वीडियो पॉज करके और फिर अपना आंसर निकाल के फिर मेरे आंसर से मैच कराएं, तभी आपको मजा आएगा, तभी सीखेंगे। ए नॉर्थ की तरफ है, बी नीचे की तरफ है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है। फिगर बनाता हूं मैं, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ए क्रॉस बी, ए जो है वो किधर है, नॉर्थ की तरफ है, तो चलो मैंने वेक्टर ए इधर बना लिया। वेक्टर बी जो है वो डाउनवर्ड है, बी जो है अंदर की तरफ है, तो मैंने यहां पे ऐसे क्रॉस बना लिया। वेक्टर ए जो है वो नॉर्थ की तरफ है, वेक्टर बी जो है वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, तो आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है। तो नियम क्या था, पहले वेक्टर के डायरेक्शन में अंगूठा, पहला वेक्टर कौन सा था, ए, ए के डायरेक्शन में अंगूठा, दूसरा वेक्टर बी जो नीचे की तरफ है उसके डायरेक्शन में उंगलियां, तो इसके डायरेक्शन में उठा, इसके डायरेक्शन में उंगलियां, तो पाम जो है वो किधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टवर्ड्स। ये इसका आंसर हो जाएगा वेस्टवर्ड्स। तो इस तरह से ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकाला जा सकता है। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने में हम लोग कुछ और सवाल करेंगे। मैं आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए एकदम पक्का कर देना चाहता हूं, तभी हम लोग मैग्नेटिज्म सीख सकते हैं, मैग्नेटिज्म में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें कुछ और मैं सवाल आपको दे रहा हूं, वेक्टर ए इज ईस्टवर्ड्स, वेक्टर बी इज 37 डिग्री, साउथ ऑफ वेस्ट, वेक्टर बी इज 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। वेक्टर ए ईस्ट की तरफ है, बी 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट है, तो आपको बी क्रॉस ए का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है। एक मिनट का पॉज दें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें, ठीक है। देखिए मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यहां बनाता हूं, ये नॉर्थ हो गया है, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो वेक्टर ए जो है वो ईस्ट की तरफ है और बी जो है वो 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट है। वेक्टर ए ईस्ट की तरफ है, तो चलो मैंने वेक्टर ए बना लिया इधर ऐसे, और बी है 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब ये हो गया, ये वेक्टर बी हो गया 37 डिग्री साउथ ऑफ के बजाय, जिसको इसमें इसको समझने में दिक्कत आए तो ऑफ के बजाय फ्रॉम पढ़ा करे, मैं तो यही करता था, स्टूडेंट था, तो यहां ऑफ के बजाय जब फ्रॉम पढ़ता था तो मेरा काम हो जाता था। जैसे मैं पढ़ता हूं 37 डिग्री साउथ फ्रॉम वेस्ट, तो आपको क्या करना है, 37 डिग्री साउथ चलना है, कहां से चलना है, फ्रॉम वेस्ट से, तो ये 37 डिग्री साउथ फ्रॉम वेस्ट ये हो गया। अब आपको पता लगाना है बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि वेक्टर बी जो है उसके डायरेक्शन में तो अंगूठा कर देंगे और ए के डायरेक्शन में उंगलियां, तो बी के डायरेक्शन में अंगूठा और ए के डायरेक्शन में उंगलियां, तो पाम किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। भाई अब अंगूठा तोड़ तो नहीं दूंगा ना मैं, ठीक है कि अंगूठा तोड़ दूं मैं, अंगूठा तो जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर मैं बी के डायरेक्शन, पहला वेक्टर बी हो गया, तो पहले वेक्टर के डायरेक्शन में अंगूठा, दूसरे के डायरेक्शन में उंगलियां, तो पाम इधर आ रहा है बाहर की तरफ, तो जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो अपवर्ड आ जाएगा, अपवर्ड्स ये आ जाएगा। और देखें, आप ये सोच रहे होंगे कि कितना बात मैग्नेटिज्म की आदमी करता है, पढ़ा रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपको बाद में समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट सीख गए ना आप, ठीक है, तो फिर मतलब ये चैप्टर आपके लिए मुश्किल चैप्टर नहीं रह जाएगा। चलिए कुछ और मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं। वेक्टर ए इज 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेक्टर ए इज 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेक्टर बी इज
डाउनवर्ड्स, वेक्टर बी इज डाउनवर्ड्स, आइडेंटिफाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेक्टर बी इज डाउनवर्ड्स, आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। डेढ़ मिनट का पॉज लेंगे आप, सॉल्व करेंगे, फिर मेरे साथ आएंगे। वेक्टर ए जो है वो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट है, वेक्टर बी जो है वो नीचे की तरफ है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आपको पहचानना है। तो मैं वही डायरेक्शन निकालने के लिए हमें आपको फिगर बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैं फिगर इसका बनाता हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो ए जो है वो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट है, ए जो वेक्टर है वो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट है, ऑफ के बजाय फ्रॉम पढ़ो तो हो जाएगा 53 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम वेस्ट। तो ये 53 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम वेस्ट, ये हो गया वेक्टर ए। तो वेक्टर ए इज 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेक्टर बी इज डाउनवर्ड, वेक्टर बी जो है नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ जो होगा डाउनवर्ड होगा, तो ये इसके अंदर की तरफ माना जाएगा। तो मैंने यहां वेक्टर बी बना लिया। अब आपसे कह रहे हैं ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताओ। तो ए क्रॉस बी का अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो देखें, वेक्टर ए इधर हो गया, बी रूल क्या था, पहला वेक्टर जो भी है उसके डायरेक्शन में अंगूठा, दूसरा वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन में उंगलियां, तो जो पाम है वो कुछ ऐसे जा रहा होगा, तो ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो जाएगा। ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो गया। आप ध्यान से देखें, ये 53 है तो ये कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। ये जो डायरेक्शन मैंने बताया यही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। पहला वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन में अंगूठा, दाहिने हाथ का इस्तेमाल करेंगे, पहले वेक्टर के डायरेक्शन में अंगूठा होगा, दूसरे के डायरेक्शन में उंगलियां होंगी, तो पाम का जो डायरेक्शन है वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये 53 डिग्री, ये 37 डिग्री है, तो कुल मिला के ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो जाएगा। तो मैं इसका आंसर ऐसे लिख सकता हूं, इसका जो आंसर होगा इट विल बी 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा, 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो जैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना सीख रहे हैं, अब जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, इन सब के भी क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि आई जे के इन सब का मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं, तो ये वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस मान लिया मैंने, ये आई हो जाएगा, ये जे हो जाएगा और ये के हो जाएगा। अब अगर मैं आई क्रॉस जे निकालूं, देखिएगा जरा ध्यान से, आई क्रॉस जे जो आएगा ये बराबर आएगा मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ जे इंटू, अच्छा आई और जे के बीच एंगल 90 डिग्री है, साइन 90, और आई क्रॉस जे का अगर ये तो वैल्यू हो गई, आई क्रॉस जे की डायरेक्शन निकालना है मुझे, तो पहला यानी आई के डायरेक्शन में अंगूठा, जे के डायरेक्शन में उंगलियां, तो पाम मेरा इधर जा रहा है, तो यानी इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप होता है, तो मैं के कैप कर दूंगा। ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, तो आई क्रॉस जे जो आएगा वो के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आई क्रॉस जे की वैल्यू जैसे आपने निकाली, इसी तरह से अगर जे क्रॉस के की वैल्यू निकालिए, तो जे क्रॉस के जो आएगा वो भी आएगा 1 × 1 × 1, माने जे का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, के का भी 1 होगा, साइन 90 भी 1 होगा। अब जे क्रॉस के का डायरेक्शन निकालू मैं, तो वेक्टर जे जो है इसके डायरेक्शन में अंगूठा, के का डायरेक्शन में उंगलियां, तो पाम तमाचा किधर आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, यानी आई कैप हो जाएगा। तो जे क्रॉस के जो आएगा वाई कैप हो जाएगा, और इसी तरह से आप निकालेंगे ना, तो के क्रॉस आई जो होगा वो जे हो जाएगा। तो आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, इन सब के आपस में रिजल्ट होते हैं। इनको याद करने का भी एक तरीका है जो आपने 11th में सीखा होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए इधर मैंने आई लिख लिया, इधर जे, इधर के, यहां मैंने क्रॉस लगा दिया, यहां क्रॉस लगा दिया, यहां क्रॉस लगा दिया, और ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे चलूंगा तो आई क्रॉस जे जो होगा वो के हो जाएगा, जे क्रॉस के जो है वो आई हो जाएगा, और के क्रॉस आई जो है वो जे हो जाएगा। उल्टा चलूंगा तो माइनस साइन आ जाएगा, मैं उल्टा कर दूंगा, जैसे यहीं पे आई क्रॉस जे के बजाय मैं जे क्रॉस आई निकालने लगूं, तो पहला वेक्टर जे हो गया, तो अंगूठा जे की तरफ हो जाएगा, तो अंदर की तरफ आ जाएगा, माइनस के हो जाएगा। तो आई क्रॉस जे प्लस के होगा, तो जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा। तो यहां पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि आई क्रॉस जे जो होगा वो के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, के क्रॉस आई जे होगा। इस तरह से आई जे के का अगर आपस में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो ये जीरो होगा।
उसके अलावा आई क्रॉस आई अगर मुझे निकालना है, सपोज कर लीजिए आई क्रॉस आई की वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूं, आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई क्या होगा, 1 × 1 × sin 0 इंटू, कोई डायरेक्शन है ही नहीं, साइन जीरो जीरो हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो आई क्रॉस आई जीरो होगा। वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। और उधर आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा होगा कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। दो पैरेलल वेक्टर हैं तो उनके बीच एंगल जीरो हो जाएगा, साइन थीटा जीरो होगा तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो दो पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा और परपेंडिकुलर का डॉट जीरो होगा, वो पहले आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी दो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा। हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो। I क्रॉस I इज इक्वल टू J क्रॉस J इज इक्वल टू K क्रॉस K इज इक्वल टू जीरो। यानी कोई भी दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ सीखा। अभी मैं क्रॉस प्रोडक्ट पे एक और सवाल आपको दे रहा हूं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का पता लगाने के लिए एक और सवाल दे रहा हूं। जब ये क्रॉस प्रोडक्ट पे हम कंफर्ट पा जाएंगे उस दिन आप फिर मैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, अभी तैयार नहीं है। एक सवाल और दे रहा हूं मैं, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस B, ये आगे फार्मूला आप पढ़ोगे लेकिन मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस B होता है जहां F फोर्स है, Q चार्ज है, V वेलोसिटी और B मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब F सिंबल सब जानते हैं, Q सिंबल आप जानते हैं, V यहां पे वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो अब इसी पे, इसी फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन है वेलोसिटी इज अलोंग ईस्ट, वेलोसिटी इज अलोंग ईस्ट मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड्स वेलोसिटी इज अलोंग ईस्ट मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड्स फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी आगे आएगा, इसको हम लोग लॉरेंज लॉ कहते हैं, वो बात की बात है, मैं अभी सिर्फ डायरेक्शन पे फोकस कर रहा हूं। तो मान लीजिए कि अगर एफ क्यू वी क्रॉस बी है, वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन आपको बताना है, इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन बताना है। दो मिनट का पॉज लेंगे फिर मेरे साथ इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे देखिए क्वेश्चन पर आता हूं मैं, ये वेलोसिटी ईस्ट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी कुछ ऐसे हो गई, वेलोसिटी ईस्ट डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड है, वेलोसिटी ईस्ट डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ है, तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स का डायरेक्शन बताओ। तो भाई v वेलोसिटी ईस्टवर्ड थी तो v क्रॉस b भी इधर है, b इधर है तो v क्रॉस b का डायरेक्शन किधर आ जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा इस सवाल में पेंच क्या है कि v क्रॉस b का डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ आ जाएगा लेकिन q यानी इलेक्ट्रॉन है यानी चार्ज नेगेटिव है, यहां माइनस का साइन आ जाएगा, तो जो भी v क्रॉस b का डायरेक्शन आएगा फोर्स का डायरेक्शन उसका उल्टा आएगा। तो v क्रॉस b का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है तो चूंकि इलेक्ट्रॉन बोला हुआ है तो माइनस का साइन होने की वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा वो डाउनवर्ड आ जाएगा, सॉरी डाउनवर्ड का मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगा साउथवर्ड। देखिए वेलोसिटी इधर है ईस्टवर्ड, बी डाउनवर्ड था तो वी क्रॉस बी तो ऊपर आया तो ये चीज ऊपर की तरफ आ गई, ऊपर की तरफ मतलब नॉर्थ की तरफ आ गई, मैं बना लेता हूं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो वी क्रॉस बी तो नॉर्थ की तरफ आया लेकिन इलेक्ट्रिक क्यू नेगेटिव था तो एक माइनस लगने की वजह से जो चीज नॉर्थ थी
जब एफ देखेंगे तो वो चीज साउथ हो जाएगी, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो साउथ पड़ा जाएगा, इस तरह से निकाला जा सकता है। जैसे हम हमारा पर्पस ये है कि ये पता लगाना कि कोई भी चार्ज चल रहा है या कोई भी करंट चल रहा है तो उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये हमारा उद्देश्य है पता लगाना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है या जिसे हम लोग हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ये होता क्या है। तो ये वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे थे उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड होता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन स्पेस के अंदर एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर हम कोई भी, जैसे वहां पे क्या होता था यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाते थे, तो यहां पर हम ये बोलते हैं कि कोई भी मैग्नेट ले जाएंगे या कोई भी पोल ले जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल ले जाएं चाहे साउथ पोल ले जाएं, तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी जगह, एक ऐसा रीजन है जहां पर किसी भी मैग्नेट को हम लेकर के जाएंगे तो उसका जो दोनों पोल्स होंगे उनके ऊपर फोर्स लगेंगे। जहां पर कोई भी हम लोग मैग्नेट लेके जाएंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, इट इज ए रीजन इन स्पेस वेर Any magnetic pole experiences magnetic force, ठीक है। स्पेस के अंदर एक ऐसी जगह है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, स्पेस के अंदर एक ऐसी जगह होती थी जहां पर हम कोई भी चार्ज लेके जाते थे तो चार्ज के ऊपर फोर्स लगता था, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड स्पेस के अंदर एक ऐसा रीजन है जहां पर हम कोई भी मैग्नेटिक पोल ले जाएं, चाहे नॉर्थ पोल ले जाएं चाहे साउथ पोल ले जाएं, वो फोर्स को एक्सपीरियंस करे, उस रीजन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसके तीन नाम होते हैं, तीन नामों से हम लोग इसको जानते हैं। इसका पहला नाम तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड है ही, पॉपुलर नाम है। दूसरा इसी का नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, और तीसरा इसी का नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तीनों नामों से इसको हम लोग बुलाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, और मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। तो जहां कहीं मैग्नेटिक वर्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड आता है उसी के साथ आप एक नाम इसका और भी जोड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर नेम जो है इसका वो मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और तीसरा इसका नाम जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तीन नाम है इसके पास, एक नाम इसका मैग्नेटिक फील्ड है, एक नाम इसका मैग्नेटिक इंडक्शन है, और एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये तीनों एक ही नाम है, आप मतलब तीनों में रत्ती भर का फर्क नहीं है। आप ऐसे मान लो जैसे कोई बच्चा है उसके तीन नाम होते हैं, एक स्कूल का नाम होता है बड़ा बढ़िया सा अच्छा सा कोई, जैसे प्रशांत विकास इस टाइप से, एक घर का नाम होता है चुन्नू मुन्नू टाइप से, और एक दोस्तों के बीच बुलाने वाला नाम होता है बेकार सा कोई ऐसा स्लैंग टाइप का रहता है। तो आप समझो कि ये तीन नाम है, तीनों एक ही है। जब आप पढ़ोगे तो कहीं मैग्नेटिक फील्ड लिख देगा, किसी जगह मैग्नेटिक इंडक्शन लिख देगा, कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी लिख देगा, आपको तीनों को एक ही मानना है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में हम लोग ये बात समझेंगे कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका एसआई यूनिट जो है इट इज टेस्ला, ठीक है। और ऐसा यूनिट टेस्ला है, और इसी का एक यूनिट ये भी है वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला को टी से भी दिखाते हैं। और रियल लाइफ में भी मैग्नेटिक फील्ड आप एक्सपीरियंस करते हो, जैसे किसी मैग्नेट के पास आप लोहा लेके जाते हो या मैग्नेट के पास मैग्नेट लेके जाते हो, तो वो दोनों में आपस में कोई कनेक्शन तो होता नहीं, मैग्नेट यहां पे है आयरन यहां पे है, दोनों के बीच में कोई रस्सी तो बंधी हुई नहीं, लेकिन फिर इसके ऊपर फोर्स लगाता है, तो वो बेसिकली उसी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से लगाता है। तो कोई भी मैग्नेट है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उसके अंदर उसके प्रभाव में कोई भी दूसरा मैग्नेट, जैसे मैग्नेटिक कई बार आपने एक टर्म सुना होगा, कई बार आप डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर लोग आपको कहते हैं कि भाई आपके सर पे चोट लग गई तो आप एमआरआई करवाओ। एमआरआई का मतलब क्या है? एमआरआई है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अच्छा, कई बार आप देखते होंगे कि जो हॉस्पिटल्स अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं उसके अंदर कोई लगता है कि भाई हमारे पास जो एमआरआई मशीन है वो एक टेस्ला है, वन टेस्ला लिखा होता है,
कोई कहता नहीं हमारी मशीन सबसे बढ़िया है, हमारी मैग्नेटिक जो MRI मशीन है 1.5 टेस्ला है, तो वो 1.5T या 1T या कई बार 2T तक की भी मशीनें आती हैं। तो 2T का मतलब 2 टेस्ला, यानी उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उस ज्यादा स्ट्रेंथ की है, ज्यादा स्ट्रेंथ की है तो ज्यादा अच्छा मैग्नेटिक MRI बनेगा, ज्यादा अच्छा बनेगा तो ज्यादा बीमारी का जल्दी पता चलेगा। तो ये जो MRI होता है इसमें इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड आती है, बाकी मैग्नेटिक फील्ड रियल लाइफ में आप हर जगह देखते ही हो। कोई भी मैग्नेट जो होता है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और उसके अंदर कोई भी दूसरा आप चार्ज या कोई भी मैग्नेट लेकर के जाएंगे तो वो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक इंडक्शन का, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का कंसेप्ट है, ये होता क्या है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ इसमें हम लोग वैल्यू से जुड़ी हुई बातें करेंगे।